कमजोरियां तो कितनी ज्यादा आ रही है। ये देखो बैंगन उधर तो भी लगा है, इतने अच्छे साइज सब्जियों के हो सकता है। ये देखो इधर लगी है, तो जी देखो यहाँ तो, ये देखो कितनी अच्छी तोरियां। हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज ना मैं अपने छत से और किचन गार्डन से करूंगी ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग, क्योंकि अब सब्जियां अच्छी खासी देखिए निकलने लग गई हैं। देखो मैंने कुछ निकाल भी लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने सारे इसमें अब लगने लगी है, ये देखो साथ साथ में ना निकालते भी रहते हैं। तो ये देखो कितने सारी लगने लगी है ना अब गए हैं भाई। ये देखो तो काफी इसने यहाँ से निकाल लिए, और पिटारे में और छत में चलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक लगा है ये खीरा, और देखो अमरूद तो कितने सारे लगे हैं ना। यहाँ पे भी है कुछ भिंडी के पौधे, अंदर जाके मेरे को घुस के देखना पड़ेगा। देखिए उधर से मैं कुछ पपीता निकालूंगी, और ऊपर से ये ख़राब होने लग गया तो इसकी उम्र ख़त्म हो गई। अब पपीते कितने अच्छे लगे हैं, पर इसमें ये इतना ऊंचा है कि मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे। लटके हुए काफ़ी ज़्यादा लगे हैं इसमें भी। तो चलो अब ना छत में चलूँगी, ये मैंने इतने निकाल लिए, हम छत में देखते हैं कितनी सब्जियाँ हमें मिलती है। और यहाँ पे देखिए अदरक के पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अदरक के पौधे पौधे तो अच्छे हेल्दी हो रहे हैं। इसमें अदरक निकलेगा कि नहीं ये नहीं पता। तो अब चलते हैं छत में, अमरूद पता नहीं कब पकेंगे, अभी तो बहुत। ये देखो इधर लगी है ढेर सारी मिर्चियाँ, तो कुछ मिर्चियाँ भी यहाँ से निकाल लेते हैं, इतनी बहुत है, जब जरूरत होगी तो ले जाएंगे। और तो जी अब आ गए हैं हम अपनी छत में, तो छत से देखते हैं कितनी सब्जियां हमें आज मिलती है। और ये देखो जी घिया की बेल ने तो कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, साइड ब्रांचेज भी अच्छी लेने लग गया अब ये, और छत में भी अच्छी खासी सब्जियां लगने लग गई है अब। ये देखो लगे हुए नींबू, वैसे पूरा फूलों से भरा है। सब्जियां देखिए यहाँ से दिख रही है ना, लटक रही है और आगे तक है, क्या अच्छी लगी हुई है। काफ़ी सारे ना हार्वेस्टिंग में कर चुकी हूँ यहाँ से पहले। इधर देखो अपराजिता के फूल भी लगे हैं, बीन्स देखो आप, ये वाली तो कितनी बड़ी है। और ये देखो लगा है कद्दू भी निकाल चुके हैं हम यहाँ से। हाँ देखो अच्छी खासी सब्जियाँ अब इनमें लगने लग गई। अच्छा जी इसमें भी हरे वाला बैंगन है, मैं सोच रही थी कि ये कौन सा आ रहा है, तो ये अच्छा हुआ मुझे अच्छा लगा इसमें हरे वाला है। और ये देखो यहाँ पे लगी है भिंडी, हाँ देखो वहाँ पे भी तोरी लटकी है, कद्दू वहाँ पे देखिए पीला हो गया है, ये देसी तोरी लगी है देखिए। और उधर भी देखिए वहाँ पे भी भिंडियाँ लगी हुई है, वो देखो फूल तो बहुत ही अच्छे लगे हैं ना। तो बीच बीच में अब ढूंढने पड़ेंगे सब्जियाँ। ये देखो भिंडी, ये रही दिख भी नहीं रही है, ये देखो यहाँ पे लगी है, इधर लगी है,
ये इधर लगी है, तो इनको तोड़ लेते हैं। ये रही, मैंने यहाँ से निकाल लिया है, और भी है अभी। और ये देखो जी, खीरा भी लगने लगा है। और ये है मिट्ठू, जो इतना चिल्लाता है ना सुबह सुबह, उधर भी देखे थे मैंने खीरे। और वो देखो यहाँ पे भी है भिंडी, तो यहाँ पे ना ढूंढनी पड़ती है मुझे अब सब्जियाँ, दिखती नहीं है ना। और ये देखो, ये अभी मैंने ढूंढी है, कितनी बड़ी हो रखी है, छुपी हुई थी ये, ऐसे ही छुपी हुई, उधर भी ढूंढनी पड़ेगी। चलो इसको निकाल लेते हैं, तोड़ ली देखो ये वाली, इसको एक दो दिन बाद निकालूंगी, ये काफ़ी बड़ी होएगी। और गमले में देखिए कितने अच्छे साइज हो रहे हैं ना सब्जियों के, देखो। तो आप सोच भी नहीं सकते कि सब्जियाँ, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि गमले में इतने अच्छे साइज सब्जियों के हो सकता है, पर होती है। ये भिंडी भी है, और यहाँ पे देखिए बैंगन, आप कितने अच्छे लग रहे हैं देखो। तो देखो ये हरे वाला बैंगन है, और ये ऊपर भिंडी, काफ़ी लंबे लंबे प्लांट ना भिंडी के हो चुके हैं। मैं पहले सब्जियों को रख लेती हूँ, इनको तो इनको भी देखिए यहाँ पे रख लेते हैं। ये वाली ना इतनी ऊपर चली गई है, तो ये देखो कितनी अच्छी तोरियाँ हो रही है ना, मतलब दो थोड़ी से ही सब्जी हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी है। तो इनको देखिए यहाँ पे भी लगे हैं बैंगन, तो इनको भी रख लेते हैं हम अपनी टोकरी में। देखिए टोकरी से बाहर हो रखी है अब। तो जी देखो यहाँ पे लगा है एक पेठा, और ये है कद्दू पक गया, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ से बैंगन भी निकाल लेते हैं ना, पूरी सब्जी कर लेंगे ना पूरी एक। ये देखो एक ये रहा, देखो ये देखो, ये भी हरे वाला बैंगन, तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखो ये देखो बैंगन, उधर उधर है भिंडी, देखो तोरियां ऐसे आती है, देखिए पीछे तोरी लगी है, ऊपर से ऐसे तोरी लगी, ओ फूल आ रहा है। यहाँ पे भिंडियाँ, इनको भी निकाल लेते हैं, इनको भी रख लेते हैं यहाँ पे। और आज निकली देखिए इतनी सारी सब्जियाँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज मैंने इन तोरियों से देखिए बनाए हैं ये भले परांठे, अगर बच्चे तोरी की सब्ज़ी नहीं खाते तो परांठे बना सकते हैं।